खंडवा नगर निगम चुनाव में फिर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। खंडवा नगर निगम में भाजपा के 28 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है, वहीं कांग्रेस के 13 और निर्दलीय 8 MIM एक पार्षद ने अपना खाता खोला है। बता दें कि भाजपा महापौर प्रत्याशी अमृता अमर यादव ने कांग्रेस की प्रत्याशी आशा मिश्रा को 19,763 वोटों से हराकर भाजपा की खंडवा महापौर पद पर जीत दर्ज कराई है और इतिहास रच दिया है। जितने की बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला। बता दें कि खंडवा के मतदाताओं का आभार माना और महापौर अमृत यादव ने कहा कि पहली प्राथमिकता शहर को सुगमता सहज तरीके से हर बार वासियों को शुद्ध जल मिल पाएगा, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। साथ ही उन्होंने सभी का सहयोग देकर धन्यवाद दिया। जनता पार्टी को बढ़त मिलती जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज भारी बहुमतों से विजय प्राप्त करी। किस तरीके से विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, क्या दिमाग में प्लानिंग है जिसे पूरा करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा विकास किया और विकास का ही साथ दिया है, तो हम भी विकास के मुद्दे को लेकर ही शहर में आए थे और शहर में काफ़ी विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और शहर का विकास करेंगे। शहर में रिंग रोड की जरूरत है, तो क्या सबसे पहले इसी पे फोकस किया जाएगा? देखिए, पहली प्राथमिकता हमारी अपने जो शहर में जल की दिक्कत हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए प्रयास करेंगे और उसके बाद जो अपना बाईपास रिंग रोड है उसके लिए प्रयास करेंगे। मेन दिक्कत दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा हो रही है। मैडम, सड़कें और गंदगी भी शहर में? बिल्कुल, स्वच्छ खंडवा बनाएंगे और उसके लिए जनता का सहयोग भी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति के होने से ये सब नहीं हो सकता है, तो सबसे ये निवेदन करेंगे कि भाई आप दोनों तरफ से प्रयास हो जिससे स्वच्छ खंडवा बन सके। ठीक है।